नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप पड़तारे है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस एप्लीकेशन का फुल रिव्यू मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा और इस एप्लीकेशन के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कहा है सभी को, तो आप इसे प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के मैं बारे में आपको बताऊँगा, ये एप्लीकेशन क्या है, आपके क्या यूज़ में आ सकती है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इस एप्लीकेशन का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई लैंग्वेज में, कई भारतीय लैंग्वेज में यह एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो कई स्टेप यहाँ पे हैं, इन्हें ध्यान से आप पढ़ लेना। और मैं आपको बता दूँ, कोरोना जो हमारे देश में चल रहा है, ठीक है, हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, उसके लिए भारत जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से बहुत अच्छी पहल है इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी टर्म एंड कंडीशन और यहाँ पे पॉलिसी है जो भी है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को कुछ परमिशन यहाँ पे देनी होती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लोकेशन की, ब्लूटूथ की और बहुत सारी परमिशन आपसे मांगी जाएगी, तो ये परमिशन आपको अलाउ कर देनी है, ठीक है। और ये आपके ही फ़ायदे के लिए एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इन्हें परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर, और इसे सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे OTP आएगा आपको, ठीक है। अभी तो मैं इसमें रजिस्टर करना बता रहा हूँ, इसके बारे में आगे भी आपको और सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर डालते ही OTP आ चुका था और हमारा यहाँ पे इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन होते ही यहाँ से कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप पुरुष है या स्त्री, ऐसी आपसे कुछ डिटेल पूछी जाएंगी और आपको यहाँ पे इन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सबका आंसर दे देना, ठीक है। जैसे कि आप पुरुष है या महिला, आपको बताना है आपकी एज क्या है, या आपको खांसी बुखार कुछ है तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और बीमारी तो आपको नहीं है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। और इसके बाद आपको मतलब आपने कोई बाहर विदेश से कोई आप आए हैं या नहीं आए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो इन्हें बताना होगा कि आप मतलब विदेश से आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बता देगा, यू आर सेफ, मुझे सेफ बता दिया है इस एप्लीकेशन ने, क्योंकि मैं विदेश नहीं गया हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे सेव बता दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ यू आर सेव, तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कलर आपको मिल जाएगी, ग्रीन, येलो और रेड, तीन कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूँ, येलो कलर का मतलब होता है कि आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक घर में रहने की सलाह देगी ये एप्लीकेशन। उसके अलावा यहाँ पर आपको रेड, अगर आपके यहाँ पे रेड आता है सिंबल, तो आप समझ जाइए आपका जो एरिया है वो रेड जोन में आ रहा है, और आपको घर से तो बाहर बिल्कुल भी निकलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके वहाँ पे बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वीडियो भी है, इसे प्ले करके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप बता रखा है कि आपको मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव आप बाहर निकलते हैं घर से, तो अगर वो खाँसता है, छींकता है, तो ये हवा में थोड़ा सा मतलब 6 फीट से मतलब यहाँ पे 6 फीट यानी 2 मीटर तक जो कोरोना है वो हवा में रहता है, और आपके मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, सांस के द्वारा आपके अंदर जा सकता है। तो इसलिए आपको मास्क लगा, अगर बाहर आप घर से बाहर निकल रहे तो आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे PM यहाँ पे केयर फंड दिया हुआ है, यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर, OFC कोड और UPI ID दी हुई है। अगर आप PM केयर फंड में आप कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यहीं से आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में मैं कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे थे मुझसे कि यह एप्लीकेशन किस तरह काम करती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन इस तरह काम करती है कि जैसे कि आपने यहाँ पे जो फॉरम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन, अपने जितने भी सवाल जवाब दिए,
आपको सही सही से उनका सही जवाब दे देना, ठीक है। तो मान लीजिए आपके एरिया में कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको रेड और येलो जोन में यहाँ पे आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन जोन आ रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे पूरे ज़िले में यहाँ पे कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है हमारे ज़िले में, तो मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में भी होता है एप्लीकेशन और हिंदी में भी, यानी कि इंडियन लैंग्वेज में, कई भारतीय लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको लोकेशन इसलिए पूछी जाती है क्योंकि यहाँ पे लोकेशन और ब्लूटूथ आपको ऑलवेज ऑन रखना है दोनों चीज़, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति है उससे मिले हैं या नहीं मिले, ठीक है। मान लीजिए मेरा दोस्त है और उसको कोरोना अभी नहीं है, और भविष्य में उसे कोरोना हो जाता है, यानी कि 10-12 दिन बाद उसे कोरोना हो जाता है, तो 21 दिन का डाटा इस एप्लीकेशन में रहता है, उसके द्वारा पता लगा लिया जाएगा कि आप किस किस व्यक्ति से मिले हैं, उस व्यक्ति से मिले हैं या नहीं मिले हैं जिसके कोरोना हुआ है। अगर आप उससे मिले हैं तो आपका यहाँ पर डाटा 21 दिन का रहता है, तो आपको भी आइसोलेट यानी आपके ऊपर भी निगरानी रखी जाएगी, और आपको भी आइसोलेट करने के लिए बोला जाएगा, यानी घर में रहने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि आप उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है एप्लीकेशन, बहुत ही कामगार एप्लीकेशन होने वाली है। हम सभी को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए बोला है। अगर आपने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आप इसे 5 स्टार की रेटिंग देके एक अच्छा सा रिव्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही काम की एप्लीकेशन होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि ये एप्लीकेशन हमारा डाटा चोरी कर रही है, हमारे ऊपर निगरानी रख रही है, क्योंकि इसमें लोकेशन और ब्लूटूथ की परमिशन आपसे मांगी जाती है। तो मैं सभी लोगों से बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो गूगल है, ठीक है, उसे आपका इतना सारा डाटा पता है, इतना आपको भी नहीं पता, ठीक है। फेसबुक है, उसके पास आपका इतना डाटा है कि आपको भी नहीं पता, और वो आपको पता होगा, फेसबुक कई बार डाटा चोरी के केस में पकड़ा भी गया है, वो बेचता है आपका डाटा। और यहाँ पे टिकटॉक चलाने वाले और यूसी ब्राउज़र यूज करने वाले जो चाइनीज एप्लीकेशन है, मतलब इतना डाटा आपके पास, मतलब आपका जो चाइना में और अमेरिका में बेचा जाता है, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। तो यार अपने देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और इस वीडियो को, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।